मेरे बनाना सीख रहे हैं, इजी रेसिपी है, बट उसमें ट्विस्ट दिया है मैंने। हम लोग जो मसाला डालेंगे उसको भून कर पीस के डालेंगे, इतना अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो आइए झटपट से हम कढ़ाई पनीर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या आपने भुने हुए मसाले से कोई सब्जी बनाई है? पहले हम मसाले को भुनेंगे, पीसेंगे, फिर हम सब्जी में डालेंगे। झटपट से बनाते हैं भुने मसाले से कढ़ाई पनीर। कढ़ाई को हम हल्का सा गर्म करके रखेंगे, उसमें हम साबुत मसाले भुनेंगे, थोड़ा धनिया डालकर हम लोग भुनेंगे। धनिया के साथ ही साबुत सौंफ वो डाल देती हूँ, इसको भी हमने धीमे आँच पर ही भुनना है। अब मैं जीरा डाल रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से हमने भुनना है। हल्की हल्की इसमें आने लगी है। अब मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ साबुत, 3 से 4 लाल मिर्च हम लोग थोड़ा आखिरी में डाल रहे हैं। अब हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी, अच्छी समय आने लगी है। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। इस मसाले को ठंडा कर मिक्सी में इसका पाउडर बनाना है। तो मसाला ठंडा होता है तब तक हम इसमें एक कढ़ाई में हम लोग थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ ऑयल। अभी इसको हल्का जब गर्म होने दो। अब एक शिमला मिर्च, इसको चोकर चोकर मैंने काट के रखा हुआ है, इसको मैं तल देती हूँ। बिल्कुल शेलो फ्राई कर रहे हैं हम लोग, इसको भी तेज आंच पर। अगर थोड़ा क्रिस्पी पसंद है थोड़ा क्रिस्पी रखिए, रूट पसंद है थोड़ा ज़्यादा कर लो। शिमला मिर्च भी हो गई, बिल्कुल ऊपर वाइट वाइट इसके स्पॉट आने लगे हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं आंच धीमी करके सब्जी का। अब एक टमाटर को मैंने इस तरह से चॉप किया है कि इसका जो पल्प है वो निकाल लिया है और स्क्वायर पीस में भी कट करके रखा हुआ है। इसको हमने हल्का इसमें आँच थोड़ी धीमी रखनी है, हल्के से लूज होते हैं या इसकी स्किन निकल लग जाती है तब तक हमने इसको तल के निकालना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, आँच धीमी करेंगे धीमी आँच से और फिर इसको निकाल लेते हैं। अभी थोड़ा इसमें पूरी सब्जियों का फ्लेवर आ गया है। अब हम तलेंगे पनीर। पनीर सारी सब्जियों के बाद ही तलेंगे क्योंकि पनीर में सब्जियों का फ्लेवर आएगा तो वो टेस्ट बढ़ जाएगा हमारी सब्जी का। बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया है हमने ताकि बिल्कुल बहुत सॉफ्ट पनीर आएगा सब्जी में जब बन के आएगा। उसी कढ़ाई में हमने डालते हैं जीरा। ऑयल भी हमने उतना ही रखा है, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है। जैसे जीरा फूलेगा, जो हमने मसाला पीस के रखा भुना था उसको मैंने पीस लिया है। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, जीरा फूल गया, ये मसाला डाल दिया भुना मसाला, बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। इसके अंदर हम डालेंगे अब टमाटर प्यूरी। अब आँच तेज कर देती हूँ। यहाँ पे अगर थोड़ा तला चाहिए तो हम लोग देगी मिर्च डाल सकते हैं आधा चम्मच, और थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आएगा इससे। और अच्छा फ्लेवर चाहिए, अगर हमने कलर भी अच्छा चाहिए तो आप टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। जो मार्केट की टमाटर प्यूरी आती है वो 2 टेबल स्पून डालेंगे अगर, तो अच्छा ये 2 टेबल स्पून बिल्कुल रेड है, कलर इतना अच्छा रेड है तो सब्जी भी हमारी रेड बनेगी। जैसे टमाटर प्यूरी में उबाल आ जाता है उसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला और गरम मसाला, इसको मिक्स कर देते हैं। प्यारा कलर अच्छा आया, देखो हल्का हल्का तेल छूटने लगा है देखिए। अब इसमें हमने डालना है सब्जियां जो हमने हल्का के फ्राई करके रखी करना है। अब हम डालेंगे नमक, इसमें 3-4 टीस्पून नमक आराम से चल जाएगा, इसको मिक्स कर देते हैं। हो गया, सारे मसाले भी मिक्स हो गए, वेजिटेबल मिक्स हो गई। अब हमारा बचा है पनीर। अगर इस स्टेज पे अगर आपको लगती गाढ़ी है सब्जी हमारी तो हम लोग डालेंगे इसमें 1/2 कप गरम करके पानी। अब मैं पनीर डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। धीमी आँच पे रखती हूँ। अब मैं इसमें डालती हूँ स्पेशल मसाला, तो 1 पिंच डालना है। और ये हमारे बिल्कुल बढ़िया सब्जी बन गई, इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, इतनी अच्छी टेस्टी दिख रही है। चॉप कर लेते हैं, इसे हरा धनिया डाल देते हैं बारीक बारीक चॉप करके। भुने मसाले वाली कढ़ाई पनीर रेडी हो गई। कढ़ाई पनीर कितनी जल्दी आसानी से बन गया है, वो टेस्टी भी है, आप देख रहे हैं मैंने तो टेस्ट भी किया है, काफी टेस्टी है, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।